सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं त्रिपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की कृतिका का पार्ट 3, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी में बताया गया है कि रूढ़िवादी मान्यताओं को लेकर स्त्री के शिक्षा के प्रति किस प्रकार की विचारधारा है हमारे आज के समाज में। तो क्या होता है इसके अंदर आपके कैरेक्टर जो है, जो आपको पता ही होंगे, राम स्वरूप है, गोपाल प्रसाद उनका बेटा शंकर, और राम स्वरूप की पत्नी प्रेमा है, उनकी बेटी उमा है, और नौकर रतन है। तो दृश्य ये चल रहा है कि राम स्वरूप के जो बेटी है उमा, उनको देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर। तो क्या क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। इन लोगों को यानी ये जो उम्र है, एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते, मगर फिर जो खाना खाने बैठते सो वैसे की वैसी ही भूख। अब वो अपने समय की बात करते हैं कि चाहे कितनी भी कचौड़ियाँ खा लेते थे, वो अपने समय के बारे में और अपनी उम्र के बारे में बता रहे हैं गोपाल प्रसाद जी, कि फिर जो खाने बैठते तो भूख तो वैसे की वैसी। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बेहतर खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। हाँ। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए के मुकाबले नहीं कर सकते। तो गोपाल प्रसाद जी पिछले उस ज़माने की, अपने ज़माने की और इस ज़माने की तुलना करते हुए बता रहे हैं। राम स्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी अपने को उस ज़माने में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। राम स्वरूप, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात की जाए। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस बीज समझ कर, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं, यानी ये इतनी तकलीफ़ क्यों करते हैं। राम स्वरूप, तकल्लुफ़ की बात कहाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, यानी आपका यहाँ मेरे घर पर आना हुआ, वरना मैं किस काबिल। हाँ, माफ़ कीजिए ज़रा, अभी हाजिर हुआ। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खंकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, यानी जो कमर का हिस्सा है, इतने में बैकबोन कहते हैं, वो चुप हो जाते हैं। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। आखिर आप माने नहीं चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। अब कह रहे हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यहाँ नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जाएगा क्या रहेगा। कहते हैं तो आप सही है। ये जो एकांकी आप देख रहे हैं, इसकी जो भाषा है वो बहुत सरल और सीधी तरीके से कही गई है, और उर्दू के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो कृतिका के आपके जितने भी पाठ हैं उसके अंदर उर्दू के शब्दों का ज़्यादा उपयोग किया गया है, तो इसके अर्थ आपको अच्छी तरीके से मालूम हो तो ज़्यादा अच्छा है। और लैंग्वेज इस पार्ट की तो बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं हम, तो शंकर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चूँ भी ना करेंगे, बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपने खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माकिफ अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अब कहा जा रहा है कि औरत अपनी खूबसूरती को लेकर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से टैक्स तय कर ले कि कितने स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टैक्स होना चाहिए, तो इससे सरकार की आमदनी बढ़ती जाएगी। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने,
वाकई आजकल वह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह भी कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए समोसा उठाइए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है, यानी गोपाल प्रसाद को कुल मिलाकर लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, नैन नक्श उसका अच्छा होना चाहिए, लड़की ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, तो इस प्रकार से कह रहे हैं। जी हाँ, वह तो आप देख ही लीजिएगा। देखना क्या, अब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरा ऊपर बड़ा एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी है नहीं। अब इनकी आप सोच को देख सकते हैं कि इनको लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, लड़की सिर्फ सुंदर होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से इस पाठ में मैंने शुरू में बताया था कि इस एकांकी में ये जो जगदीश चंद्र माथुर जी, इन्होंने ये बताया है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहू में भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई या लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम है पढ़ना और काबिल होना, अगर औरतें भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं तो मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत की नहीं। हाँ हाँ, शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। जो ऊंची तालीम, जो ओहदा होता है, वो सिर्फ मर्दों के लिए होता है, औरत को पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है? अगर औरत पढ़ने लिखने लगेगी, मैट्रिक्स पढ़ लेगी, अगर वो राजनीति में चली जाएगी, इंग्लिश अखबार पढ़ने लगेगी, तो गृहस्थी कौन संभालेगा? गृहस्थी संभाले औरत, ये सब मानना है गोपाल प्रसाद जी का। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वो मक्खन। नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। हाँ, मेज़ पर एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ से ज़ोर ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊँ? जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आँखें गड़ाकर और शंकर आँखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। हाँ हाँ, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरे ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सीने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा यानी कि अब जो उनकी बेटी है रामस्वरूप जी की, वो पूरी पढ़ी लिखी है, तो दिखती बात है कि ज़्यादा पढ़ लिखने के कारण उनके चश्मा लगा है, और वो आश्चर्य करने लगते हैं, कौन? शंकर और उनके पिताजी के लड़की के चश्मा कैसे हैं? जरा सक पका कर, यानी वो थोड़े से शक पका जाते हैं कि वह पिछले महीने तो इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब लड़की के जो पिताजी हैं, वो भी बहाना बनाते हैं कि चश्मा तो उसका पिछले महीने आंखें आ गई थी, तो थोड़े दिन के लिए ऐसे ही लगा रखा है। लेकिन गोपाल प्रसाद पूछता है कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। संतुष्ट होकर कोमल स्वर, बैठो बेटी, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठती है, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि यानी सुंदरता है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है, थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उड़ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखें से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है।
क्यों क्यों क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठी रहो। उमा, उमा बैठती है। उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीरें टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुका है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। जवाब दो उमा, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, जरा रुखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। लेकिन हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। अब उमा बोलती है। उमा क्या बोलती है? उमा एक व्यंग्य मारती है, कहती है कि कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता। कुर्सी मेज से क्या पूछा जाता है जब वो ग्राहक के पास में जाता है? जब दुकानदार उससे पूछता है कुर्सी मेज से कि क्या तुम्हें इसी ग्राहक के पास जाना है, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना। इसीलिए पसंद नापसंद की उमा यहाँ पर व्यंग्य करते हुए कह रही है कि लड़कियों से उसकी पसंद नापसंद कुछ नहीं पूछी जाती है। चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछे क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनकी चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। अब वो उमा बोल रही है। अब उमा कहती है कि मुझे कह ले दीजिए बाबूजी, आके कहती है कि बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? तेज़ आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा आपने इन साहबजादे से पूछे कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह तांग झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा उमा खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया यानी धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैंत ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास, उफ़ गजब हो उठा, झूठे कभी कुछ ठिकाना। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी, अब आपको शीर्षक समझ में आया होगा कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार से है। रीढ़ की हड्डी इसलिए क्योंकि शंकर जब गर्ल्स हॉस्टल में इधर लड़कियों को झांकते ताकते रहते हैं तब उन्हें किस प्रकार से हॉस्टल से डंडे मारकर बाहर भगाया जाता है, तो ये पूरी तरीके से शंकर के रीढ़ की हड्डी कहने पर व्यंग्य है कि किस प्रकार से शंकर का व्यवहार मालूम होता है, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं, रतन आता है। बाबूजी मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार ये पाठ था आपका रीढ़ की हड्डी, जिसके अंदर बताया है जगदीश चंद्र माथुर जी ने कि किस प्रकार लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने आक्रोश जताते हुए इस पाठ के माध्यम से लड़कियों को उनके सामने बोलना सिखाया है जो जो लड़के वाले हैं और जो लड़कियों को जब देखने के लिए आते हैं तो उनके सिर्फ नाप तोल के लिए कि लड़की सिर्फ खूबसूरत होनी चाहिए, नया नक्श अच्छा होना चाहिए, लेकिन लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शिक्षा को इतना पिछड़ा हुआ माना गया है स्त्रियों के लिए। तो जगदीश चंद्र माथुर उमा के पढ़ाई लिखाई के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि लड़की अगर पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो ये समाज का जो ढांचा बना हुआ है, जो ये मानता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वो ढांचा सुधर जाता है। धन्यवाद।